देखते हैं ना सर, करने के लिए जो लक्षणों को लेकर ग्रंथ लिखा जाता है उसे रीति ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। तो रीति पद का जो प्रतिनिधित्व करने वाले कवि है या लेखक थे उन्होंने केशव दास है, उन्होंने तीन ग्रंथ लिखे, रामचंद्रिका, राम कवि प्रिया और रसिक। दूसरे है रीति सिद्ध, उन्हें रीति के लक्षण तो आते थे लेकिन रीति के बंधन में बंधकर न बंधकर जो काव्य लिखा गया है वह है बिहारी, और उन्होंने अपने जिंदगी में केवल एक ही साहित्य की रचना की है उसे नामकरण दिया गया है बिहारी सस्य, और उस बिहारी सस्य में 713 दोहों के संकलन है। और आपको पता होगा कि जयपुर के राजा राजा जय सिंह ने उन्होंने बिहारी को एक एक दोहा लिखने के लिए सोने की एक एक अशर्फी एक एक सोने की अशर्फी दी थी एक एक दोहे के लिए, और उन्होंने एक गाँव भी भेज दिया था बिहारी को। और दूसरे है रीति मुक्त, रीति के बंधन में न पड़कर आजाद तरीके से रीति मुक्त होकर साहित्य लिखा गया, उसमें ज्ञानंद आते हैं, बोधा, आलम शास्त्र से बहुत सारे साहित्यकार के कवि है उन्होंने साहित्य लिखा। और उसके बाद आता है आधुनिक काल, तो आधुनिक काल का जो 1900 से लेकर आज तक जो साहित्य लिखा गया वह सारा साहित्य आधुनिक काल में आता है। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि आधुनिक काल से लेकर रीति काल तक जो साहित्य लिखा गया था वह पद्य में लिखा गया था, दोहों में, पदों में, छंदों में लिखा गया था, लेकिन आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहली बार गद्य में साहित्य लिखने की शुरुआत की। और जो आज हम कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता ये सारी हिंदी साहित्य की विभिन्न रचनाओं का प्रकार देखते हैं इसकी शुरुआत भारतेंदु काल ने की है, भारतेंदु युग से हुई है, और उन्हें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को आधुनिक युग का महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। मैं बंद।